प्राइवेट स्कूल्स जिन लोगों ने जस्टिस अनिल देव सिंह की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन चारों तरफ फैला हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि सिक्स्थ पे कमीशन आने के बाद सिक्स्थ पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई। कई स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई वो जायज नहीं थी। कोर्ट ने जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने स्कूलों को डायरेक्ट किया कि आप ये फीस वापस कीजिए। उन स्कूलों ने उस फीस को वापस नहीं किया। अब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कैटेगोरिकली कोर्ट में कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करवाएंगे और जो स्कूल लागू नहीं करेंगे सरकार फिर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें टेक ओवर कर सकती है। मीडिया में जब ये खबर छपी और जिस तरह से छपी उसको लेके कई सारे पेरेंट्स में कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, मौजूदा दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं है। मौजूदा दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल्स को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानती है। अभी तक हमारे देश में जो शिक्षा की प्रणाली थी वो दोहरी शिक्षा की प्रणाली थी। एक तरफ प्राइवेट स्कूल थे, एक तरफ सरकारी स्कूल थे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में भेजे, जो बेचारा बहुत ही दीनहीन गरीब है वो अपना सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। वहाँ से निकलने के बाद बच्चा जो है गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था और वो आगे नहीं बढ़ पाता था। इस गैप को मौजूदा सरकार ने पूरा किया है, फिल किया है, ख़त्म किया है। अब सरकारी स्कूलों को भी इतना अच्छा किया है और किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता सब कुछ हासिल हो गया, अभी बहुत कुछ हासिल होना बाकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है हम लोगों ने, ताकि अब चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब एक तरह से एक्चुअली लोगों के पास ऑप्शन है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि अब प्राइवेट और सरकारी स्कूल लगभग बराबरी के उस पे आ गए हैं। हम प्राइवेट स्कूल्स को इस पूरे सिस्टम का एक अभिन्न अंग मानते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में देर इज नो विच हंटिंग, हम कोई विच हंटिंग नहीं करने जा रहे। हम सभी 449 स्कूल अभी इसके 449 स्कूल हैं जो कि इसके पूरे घेरे में हैं इस वक्त। उन स्कूल से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारी मंशा आपके खिलाफ एक्शन लेने की नहीं है। आप जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी को लागू कर दीजिए, हमारी केवल इतनी मंशा है। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने जो कहा है कि आप लोगों ने ज़्यादा फीस ली, उस पैसे को वापस कर दीजिए पेरेंट्स को, हमारी ये मंशा है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार की इस वक्त एजुकेशन को लेके दोहरी नीति है। पहली चीज़ कि सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और दूसरी चीज़ प्राइवेट स्कूल्स में हम इंटरफेयर तो नहीं करेंगे लेकिन उनको डिसिप्लिन जरूर करेंगे। अगर कोई प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से पेरेंट्स को लूटता है तो कोई भी जिम्मेदार सरकार चुप नहीं बैठ सकती, जो अभी तक होता आया था कि प्राइवेट स्कूल्स की लूट को, चूंकि पॉलिटिकल कनेक्शंस होते थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, उसको अलाउ किया जाता था सरकारों की
और मंत्रियों की कल्यूजन की वजह से अब ये सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो आज मैं उन सारे स्कूल से अपील करना चाहता हूँ कि जिम्मेदार सरकार, हम आपसे फिर से अपील करते हैं कि आप जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी को लागू कर दीजिए। हमारी कोई मंशा नहीं है आपके खिलाफ आप इंटरफेयर करने की, आपके खिलाफ कोई कदम उठाने की, लेकिन अगर कोई स्कूल उसको लागू नहीं करेगा तो फिर ये सरकार चुप नहीं बैठने वाली। एज अ लास्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट अगर हमें स्कूल को टेक ओवर करने की जरूरत पड़ी तो बहुत ही दुखी मन से हम वो कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं।